बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। अगेन हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं, इंग्लिश टेस्ट नंबर 10। ठीक है, और ये वही बुक है, सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक इंटेलिजेंस बुक। ठीक है, तो हम आपको बुक वाइज सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि वो बेचारे बुक तो ले लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि कैसे हमने तैयारी करनी है। ठीक है, तो आल्दो के आंसर्स भी दिए होते हैं बुक में, लेकिन चीज़ों की समझ जो है वो फिर नहीं आती, या वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिससे वो रटा तो लगा लेते हैं लेकिन जब अटैम्प्ट करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो रीज़न यही होती है कि प्रिंटिंग की वजह से गलती जो है ना वो काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट उन्हीं को रटा लगा के कोशिश करता है कि मैं पास हो जाऊं लेकिन वो फेल हो जाता है। तो बैंक हम पूरी कोशिश करते हैं कहीं हमसे गलती ना हो, लेकिन फिर भी कोई अगर गलती हो तो हमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में क्वेश्चन को पोस्ट किया करें, तो उस पर जो भी इतफाक़ राय होगी वो हम सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बल्कि मुझे बताया करें तो हम उसको फेसबुक से चेक भी करवा लिया करेंगे, लोगों के व्यूज़ भी उस पर ले लिया करेंगे। ठीक है, तो बाकी एक एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद होते हैं फेसबुक ग्रुप में भी, तो वो इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे, नहीं तो मैं खुद फिर उसको वेरीफाई करके जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चले जी हम नेक्स्ट तैयारी की तरफ। हम पहला जिसको क्वेश्चन है, अली फ्लाइज काइट। हमने करना क्या है जी, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब बनता है वो बनता है काइट इज फ्लोन बाई अली। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये वाला इसका ठीक है। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो हिज वर्क से हमने स्टार्ट करना है, फिनिश्ड क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमारा जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब वाज होता है, हिज वर्क वाज, तो ये यहाँ पे हिज वर्क फिनिश्ड बाई हिम। ठीक है, नेक्स्ट है ज़िया हिट्स मी। ठीक है, तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज है आई एम हिट बाई बाई ज़िया। ठीक है, ये पहला ही इसका जवाब चले ये ठीक है। नेक्स्ट है ही कॉट अ थीफ। ठीक है, तो इसका आएगा अ थीफ हैड कॉट बाई हिम। हार्ट हेड क्यों है, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो फिर हैड वन लगता है वहां पे। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है। आई हैव फिनिश्ड दिस लेसन, तो इसका करेक्ट आंसर है दिस लेसन हैड बिन, क्योंकि हैज है तो क्या आएगा जनाब, दिस लेसन हैज बिन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑप्शन है हु हैज गिवन दिस पेन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय हुम दिस पेन हैज, बाय हुम हैज दिस पेन बिन गिवन। ठीक है, ये पहला ठीक है। अच्छा जी, आई राइट अ लेटर टू यू, इसका आंसर आएगा अ लेटर इज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाई मी टू यू। तो ये क्वेश्चंस है आपका, लेटर इज रिटन बाई मी टू यू, ये एंड पे है बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा जी, ही गिव मी अ प्रीशियस गिफ्ट, अ प्रीशियस गिफ्ट शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अब गेव है पास्ट का टेंस है, तो जाहिर है इसके लिए क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं, तो प्रीशियस गिफ्ट वाज गिवन बाई हिम, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, आई रेड दिस बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक इज रेड बाई मी, दिस बुक इज रीडिंग बाई मी, और दिस बुक इज रेड बाई अस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा दिस बुक इज, ये यानी दिस बुक शुरू में आ जाएगा, इज इसकी वजह से आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट का फिक्र है, और दैट थर्ड फॉर्म आएगा और बाई जो है ना, और ये मी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही जवाब इसका ठीक है। नेक्स्ट है ही मैरिड विद एन अमेरिकन। ठीक है, अच्छा जी, ही लव्स, तो यहाँ पे आएगा एट, लव के साथ मैंने अक्सर आपको बताया कि एट लगता है। ही जंप इन टू द रियर रिवर। ठीक है, इंटू कहते हैं अभी अंदर से, बाहर से अंदर कोई चीज़ जा रही होती है तो ठीक है, उस वक्त हम कहते हैं इंटू, जब ऑलरेडी अंदर मौजूद हो तो फिर इन इस्तेमाल करते हैं। ही रीच्ड कॉलेज, हम कहते हैं कि वो जनाब बिल्कुल इन टाइम पहुंचा है बंदा ना, तो इन आएगा यहाँ पे। हामिद इज डैश, हामिद इज क्या, हामिद ऑलरेडी क्लास में है तो हामिद इज इन द क्लास। ठीक है,
योर शर्ट इज इन्फीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इसके साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। योर शर्ट इज डिफरेंट, तो इसकी शर्ट डिफरेंट है, किसके साथ नाम, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, उस मुझसे, ठीक है। कजिन इज सुपीरियर, सुपीरियर फिर आ गया ना, तो इसके बाद फिर चुप करके टू लगा दो, ठीक है। सुपीरियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब कैसे टू लगेगा। यू आर इंटीमेट, तुम्हें आगाह किया जाता है, किसके साथ, विद हिम, उसके साथ। ही हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया, ठीक है, कहाँ पे, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, वॉल के, ठीक है, वैसे बिहाइंड भी हो सकता है, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, लेकिन ये पैरेलल बिहाइंड जो है ना वो पैरेलल भी होती है, तो अगेंस्ट द वॉल भी ठीक है, ठीक है। तो इस पर अगर कोई आप लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ तो मुझे फिर बता देना, इस पर देख लेंगे, अदरवाइज तो यही है, ठीक है। अच्छा जी, द ग्लास इज ब्रोकन, द ग्लास इज ब्रोकन, जब पीसेस में तब्दील हो जाता है तो फिर वो इनटू होता है, इनटू पीसेस, ठीक है। रिजवान इज बॉय, रिजवान इज जो है ना वो कौन सा बॉय है जनाब, सिंपल गुड बॉय है बस, ठीक है, इसका करेक्ट जवाब ये है। वसीम इज देन, अब देखिए दो चीज़ों का मुकाबला आ गया, जब दो चीज़ों का मुकाबला आ गया, दो बंदों का, दो चीज़ों का दरमियान, तो फिर सेकेंड डिग्री लगती है, ठीक है। तो वसीम इज टॉलर, ठीक है, तो फिर टॉलर आएगा। उसके बाद है कराची इज पॉपुलर सिटी इन पाकिस्तान, तो कराची फिर क्या है, कराची इज कह लें कि थिकेस्ट पॉपुलर सिटी, तो यहाँ पे इज पूरे पाकिस्तान में मुकाबला है ना इसका, तो कराची पूरे पाकिस्तान में इसको देखा जा रहा है, तो ये फिर थिकेस्ट आएगा, ठीक है। और अगर थिकर हम कहते, तो अगर दो चीज, दो शहर का मुकाबला हो रहा होता तो फिर हम थिकर लगाते, ठीक है। डियर इज रनिंग, तो डियर रन कर रही है, किसके साथ, अब दो चीज़ों का मुकाबला है, डियर और काओ का, ठीक है, तो इसमें फिर हम सेकंड डिग्री लगाएंगे, फास्टर। अमेरिका इज दी, ठीक है, अब दी आ गया ना, तो दी जो है हमेशा याद रखें, जब भी लगेगा तो फिर थर्ड डिग्री लगेगी, रिचेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट फ्रेंड। तो इस टेस्ट में जो है ना वो इतने कोई खास नहीं थे, ठीक है, तो ये टेस्ट आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह एक स्पेशल टेस्ट है नेक्स्ट, वो फिर इंशाल्लाह इंग्लिश काम करेंगे, तो इतनी देर तक इजाज़त दें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो इनको याद कर लें अच्छे तरीके से, और जहाँ भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंग्लिश का पेपर हो तो ये जनाब 100% इन्हीं में से आता है, और इसी किस्म के भी आते हैं, और यही मेथड इस्तेमाल होते हैं, और यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितना आप याद करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।